केंद्र के खेती कानूनों के विरोध में जिथे पूरे पंजाब नहीं देश तो वक्त लोग पहुँच रहे हैं उत्थे ही नौजवान वर्ग भी वड्डी गिनती जिथे पहुँच रहा है जिमें कि तुम देखा देख रहे तस्वीरों के सिंघू सरहद के जिहड़े इत्थे नौजवान आल इंडिया स्टूडेंट फैडरेशन के जो नौजवान है अपने विलखण तरीके जो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने जी एक टीम इतने पहुंची हुई है वड्डी गिनती जो खेती कानूनों माफ करवाने वास्ते जो संघर्ष किया जा रहा है तुम्हें दिखाने जो किमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਆ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਢਾਲ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ एक पास किसान ही अड़े पे तो मोदी सरकार भी टस तो मस नजर नहीं होंगी जा रही की कहना इतने तुहाडा किवें दा संघर्ष होना चाहिए किवें दा तुसीं किहदे नाल साथ दोगे अगे नहीं साडा साथ हमेशा किसानां नाल ही रहना है ये विद्यार्थी ने पंजाबी यूनीवर्सिटी के हमेशा किसानां नाल रहणगे ते किसानां दे काले किसानां दे विरोध दे विच जो काले कानून पास होए ने उस दे विरोध दे विच ही रहणगे दोस्तों असीं होर इत्थे विद्यार्थी नाल भी गल करांगे हाँ जी मैडम की कहना चाहुंदे तुसीं खेती संघर्ष जिहड़े कानून सरकार वापस नहीं लैण जा रही अड़ी पई है सरकार देखो जी किसानां दी मजदूरां दी ते विद्यार्थी नौजवान साथियों की लड़ाई है सांझी लड़ाई बन चुकी है जे सरकार चाहती है कि असीं ये काले कानून वापस नहीं लवेंगे तो संघर्ष होर तेज किया जाऊगा होर तिखा किया जाऊगा क्योंकि लड़ाई सिर्फ एक वर्ग की नहीं होर जिहड़े सारे वर्ग अज काम कर रहे हैं वो सारे प्रभावित हो रहे हैं इस कानूनों तो सो जे इन्हां कानूनों के सरकार चाहती है कि असीं सौदा करके तो इन्हां किसानां नूं पिछे घर चों वापस करन वाला काम करांगे तो ये समझ लैन के असी वापस होने वाले चो नहीं किसान मजदूर ते विद्यार्थी अज नौजवान कट्ठे हो गए इस लड़ाई नू सांझी लड़ाई समझ हो इन्हां कानूनां नू रद्द करवा के रहांगे ते नहीं संघर्ष नू होर तेज करदे रहांगे जिवें कि तुसीं पटियाले दे इत्थे पुज्जे हो होर नौजवानां नू की अपील करोगे जिहड़े पंजाब दे वख-वख कालजां यूनीवर्सिटीआं विच पढ़ रहे आ तुसीं अपनी तरफों उहनां नू कोई अपील करनी चाहोगे असी जी होर साथियां नौजवानों स्कूलों कालजां ते यूनिवर्सिटियां दे विद्यार्थियों यही कहना चाहते हैं क्योंकि वह समझण ये फर्ज है उन्हां दा ये फर्ज सिर्फ किसानां दे जवाकां दा किसानां दे धीआं पुत्तां दा नहीं क्योंकि जिहड़ियां फसलां तो असी रोजी रोटी साडी बनदी आ जिहड़ियां फसलां वह बीजदे आ जो फसलां ही नहीं रहणगियां तां ये स्कूल कालज ते यूनिवर्सिटियां दे विद्यार्थी आ जिहड़े उन्हां दे मापे आ वह भी बद तो बदतर उन्हां दी स्थिति हुंदी रहेगी सो असी उन्हां नूं अपील करदे आ कि इस संघर्ष इस मोर्चे दे विच आउण ते आपदा बनदा योगदान जिहड़ा उस इस दे विच देणा बनदा साडे नाल होर विद्यार्थी मौजूद आ हाँ जी भाई साहब जी तुसीं की कहना चाहुंदे जो खेती संघर्षां नूं लैके जिहड़ा वंडेगा अंदोलन काफ़ी वड्डा चल रहा देखो ये किसानां मजदूरां दी जित तां सरकार लगातार झुक रही आ तोमर साहब नूं बयान देना पिया कि वार्ता ना तोड़ी जाए सरकार च कोई ईगो नहीं वो मन रहे आ सारियां गल्लां उन्होंने कहा सौदा करन नूं तैयार हाँ जी असी कानून च कमियां घट आ जिहड़ियां रह जांदियां इहदा मतलब जे कानून लागू कर दिंदे उन्हां कमियां ने लोगों का नुकसान करना सी सरकार आ जिहड़ी लगातार वो पिछे लोगों नूं धक्क रहे आ जिहड़े 1 इंच पिछे हटण नूं तैयार नहीं सी उह सारी दी सारी सरकार आ जिहड़ी 10 वारी आ कह लो किसान आगूआं नूं फोन ते फोन करदी आ पर इह लड़ाई आ जिहड़ी इकल्ले जमीनां वाले लोगों की लड़ाई नहीं लोग जाण चुके सरबत दे पले दी लड़ाई आ इह भुख दी अनाज दी लड़ाई आ जे उहदे ते अदानियां का कब्जा हो गया तो देश बचाया नहीं जा सकता उदों तक लोग लड़नगे क्योंकि आर पार की लड़ाई पिंडा चो काफले चलते हैं तो घरद्या इं मिल के आते हैं जिमें आखिरी बार किसी जंग से जा रहे हो सरकार भी इस गल चंगी तरह समझ रही है इस करके प्रैशर लगातार बनया हुआ सानू पूरा यकीन आ जवान भी तो किसान भी दोवें लड़ के इस जो मैदान फतेह करे सरकार कहती अं शोध कर देने पर किसान तो अपना सारे वर्ग अड़े कि असं इन्हें रद्द करवा के हटना
वो कहते हैं जी जहर की शीशी आ अद्धी कढ़ लैने अद्धी पी लो तुसी दसो जहर लोग किवें पी लैन। सो ये जिहड़ी गल आ वी कानून खतरनाक इन्ने बनाया एक भी कलॉज मैं कहना तोमर साहब हुण मोदी होवे देश दा प्रधानमंत्री वो टीवी ते बोल के दस देवे वी आह कलॉज आ जिहड़ी देश च लागू करन नाल लोकां नूं आह फायदा होगा लोग मन लैणगे ते नहीं वह फिर मन लैण जदों एड्डा वड्डा हजूम कह रहा पूरा देश कह रहा भी ये नाल देश दा नुकसान होएगा ते फिर अदानी अंबानिया दा देश तां है नहीं भी जिहड़ा झोली पा के सारा उहनां नूं लटा दिता जाऊ। लोग फिर भगत सराभिआं नूं वी याद करनगे ते बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं वी याद करनगे पर लड़ाई तो फिर लड़ी जाएगी जदों तक ये कानून वापस नहीं हो जाते। सो दोस्तों तुसीं सुनिया कि जिहड़ा इह नौजवान वर्ग अज्ज किसानां दे हक विच नाल खड़ा नज़र आ रहा पूरे जोश ते खुश होश नाल जिहड़ा नौजवान इत्थे प्रोटेस्ट कर रहा। सो असीं भी आस करांगे कि होर भी नौजवान ते आम वर्गां दे लोक इत्थे किसानी संघर्ष विच पहुंचणगे ते खेती जिहड़ी केंद्र सरकार है मोदी सरकार है उहनूं इह कानून रद्द करवाउण लई मजबूर कर देणगे। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।